हेलो सर, आप पाकिस्तानी फिल्म स्टार है ना? जी मैं वो ही हूँ। आप ब्रिटिश एशियन एक्टर, आपने मेरी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी। अच्छा, तो यहाँ तशरीफ का टोकरा क्यों लाए हैं आप? वो असल में मेरी एक नई मूवी आ रही है, चांद पे नहीं जाऊंगा, उसकी प्रमोशन के लिए आया हूँ मैं। सर वैसे आप वहीं चले जाइएगा, वापस नहीं आइए। अरे नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा आओ, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूँ। अरे नहीं नहीं, मेहरबानी नहीं फरमाए, अपना ऑटोग्राफ अपने पास रखो। नहीं चाहिए होगा, मैं अंजलि दूधी से ले लूंगा, तुम्हारा ऑटोग्राफ का क्या करूंगा। एंजेलिना के पास जाने के लिए तुम्हारी सारी जिंदगी गुजर जाएगी, गरीब आदमी उसके पास पहुंच भी नहीं पाओगे तुम। ओ तू भी रमे, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद पाकिस्तान आ गई है। एंजेलिना वो पाकिस्तान में? जी हाँ, वो पाकिस्तान आ गई है और तुम्हारी तरह नहीं, किसी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए नहीं आई है। बेशरमा, वो सिर्फ आई है शराब मुतासरीन की हेल्प करने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। शो मारने आई होगी और कुछ नहीं। अच्छा तो तुम शो मार लेते, तुम चले जाते, तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? ये ड्रामेबाजियां खत्म हो तो जाओ ना। असल में मुझे जाना था लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैं जा नहीं पाया। मसरूफियात नहीं, आपको किसी ने नोट नहीं दिए, अगर नोट देता कोई तो फिर देखते आपकी स्पीड। मिनरल वाटर हाथ में होती, सनग्लासेस लगा के, रेन कोट पहन के, रेन बूट पहन के भागे भागे आप जाते, राशन के थैले देते वक्त फोटो खिंचवाते। अभी किसी ने नोट नहीं दिए ना, इसलिए नहीं गया। वो दुनिया की टॉप की सुपरस्टार, वो कितनी बिजी होगी, वो टाइम निकाल के आई। उसको देखा है आपने? उसके सर पे दुपट्टा है, तमीज का लिबास पहनी है, किस खुलूस के साथ हमारे मुल्क के लोगों से मिल रही है, बोट में सफर कर रही है, और जो लोग तुम्हारे लिए टाइम निकाल के मूवीज देखने जाते हैं, तुम्हारी सड़ी घिसी पिटी मूवीज देखने जाते हैं, तुम्हारे ड्रामे देखते हैं पूरे पूरे दिन बैठ के, टाइम निकाल के तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं है उनके पास जाने के लिए? ये करने के लिए तुम्हारे पास टाइम है? ये चश्मा लगा के आ गए, टोपी लगा के आ गए, चचोरों वाला मफलर पहने हुए लाल कलर का। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं कल ही जाऊंगा ऐसे लोगों से मिलने के लिए। जरा पता करो एंजेलिना किस एरिया में आई है। हाँ अब तो जाओगे, अब तो जाओगे ना, तो उसी एरिया में जाओगे उनके साथ सेल्फी लेने, है ना? हमारे सो कॉल्ड आर्टिस्ट और सेलिब्रिटीज, थोड़ा सा आप भी सीखे ऐसे लोगों से। वो इतनी दूर से आपके मुल्क में आ रही है, पैसे बांटने नहीं आ रही है, कोई इमदादी सामान नहीं लाई है, वो सिर्फ लोगों के साथ दुख बांटने के लिए आई है, उनकी तकलीफें सुनने के लिए आई है, उनपे क्या गुजरी है वो सुनने के लिए आई है। आप भी तो कर सकते हैं, वो सात समंदर पार से आ सकती है। यार आपके तो घर में वाकई हो, थोड़ी सी शर्म करो, कोई सीखो और जाके मिलो। ये मॉल वॉल के चक्करबाजी छोड़ो, जब देखो फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आ जाते और किसी का दुख बांटने के लिए तुम्हारे अभी बोलिए। शुक्रिया।